उड़ान द्वारा तीसरी रामायण महोत्सव रोहिणी स्थित होटल क्राउन प्लाजा में दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। दीपांजलि के लिए बवाना चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राज जैन, राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष जगदीश मित्तल, सोनोटेक ग्रुप से हंसराज रलहन, लायंस क्लब दिल्ली नॉर्थ एक्स से विनय सिंगल, लायंस क्लब दिल्ली BPMS की अध्यक्ष मीनाक्षी गर्ग, BPMS लाइब्रेरी की संयोजिका सुमन जैन ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। उड़ान के कलाकारों की प्रस्तुति, मनोज मिश्रा का काव्य पाठ, स्वामी संजय प्रभाकर आनंद की भारतीय भाषाओं में लोकगीत प्रस्तुति, अरुण दुबे का संगीत और संस्कार भारती के कलाकारों द्वारा लाइव पेंटिंग, कुल मिलाकर एक संपूर्ण रामायण कला उत्सव का आयोजन हुआ। डॉक्टर राम अवतार ने भगवान राम की वन यात्रा के अनुभवों को साझा किया तो पूर्व राजनयिक अनिल जोशी ने अपने विदेश यात्राओं के बारे में भी बताते हुए विश्वव्यापी रामायण परिवार का गुणगान किया। डॉक्टर प्रदीप सिंगल ने रामचरितमानस एवं स्वास्थ्य विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। रामायण और प्रबंधन मैनेजमेंट गुरु और कवि राजेश अग्रवाल ने मैनेजमेंट के अनेक सूत्र रामकथा से जन समुदाय को बताए। लोक गायक सुंदर वैदिक ने भी भगवान राम और भगत सिंह पर अपनी प्रस्तुति दी। इस समारोह में विशेष रूप से उड़ान के संरक्षक मुकेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार गुलशन वर्मा खाटू श्याम दिल्ली धाम से, घनश्याम गुप्ता जावेरी BJP के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन चेतना के अध्यक्ष राजेश चेतन एवं उड़ान के विनय राठौर ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रकाश चंद जैन, दिवाकर जैन, राज जैन एवं चेतना की महासचिव NR जैन, कोषाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, राजकुमार जैन, सदभूषण गोयल, अशोक बंसल, भारत भूषण अलाबादी, सुनील अग्रवाल, यशु राय शर्मा एवं उड़ान की टीम से गिरीश गुप्ता, पवन गर्ग, प्रदीप द्विवेदी एवं रचित सो गौरा का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम हर वर्ष होता है, तीसरी बार है, मैं तीनों बार आया हूँ। राम जी के जीवन का सांगोपांग, उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को दिन भर हम सब लोग सुनते हैं। एक दिव्य सत्संग है और इस सत्संग में मैं भी गोता लगाऊं, ऐसी मेरी इच्छा रहती है। इस बार ऐसा समय नहीं हुआ कि मैं पूरा समय रहूं, पर ये आयोजन अपने आप में अनूठा तो है। सर, 500 साल पुरानी सपना पूरा होने वाला हिंदुत्व को, हिंदुत्ववादियों को सबका, और इसमें कई विरोधी लोग भी बैठे रहे, लेकिन फिर भी रामलला का मंदिर जो है वो बनने तैयार हो गया है। आपकी किस तरीके की तैयारी, क्योंकि आपने ये बोला है कि हम घर घर बताया कि 10 करोड़ घरों में जाएंगे जी, सबको हल्दी चावल देकर न्योता देंगे, अपनी बस्ती के मंदिर को अयोध्या मानो, उस दिन के लिए LED पे पूरा कार्यक्रम देखो, जब आरती हो तो खड़े होकर गाओ, और 5 लाख मंदिर विश्व में, उसमें करोड़ों करोड़ों हिंदू वो ये सब दृश्य देखेंगे। दिवाली, दिवाली गई है, अब दोबारा से दिवाली प्रदेश बनाने वाला है सब। पहले तो दिवाली बनेगी, 14 साल की थी ये, 500 साल की दिवाली है। बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपकी तरफ से क्या संदेश हिंदुत्ववादी और आज की युवा पीढ़ी को? मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि कोई संदेश दूं जी। राम जी का संदेश हम सबके लिए है, वो समरसता का है, वो मित्रता का है, वो समानता का है, वो नारी की गरिमा का है, वो आतंकवाद से मुक्ति का है, और भूख बीमारी गरीबी इन सबको मिटाने का है। उसी संदेश पे हम सब चल रहे हैं। दिल्ली से BCN न्यूज के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।